भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बोलिए, भले टीचर के मुंह में मसाला हो लेकिन बच्चों को तो नहीं खाने देगा, ध्यान रखिए। यहाँ के टीचरों का मुझे नहीं मालूम, नहीं तो आजकल तो बड़े लफड़े हो गए हैं। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमारे पैर नहीं छूते, गुरु को शिकायत है कि शिष्य हमारे पैर नहीं छूते। गुरु भी तो देख ले, तूने भी तो पहन रखे हैं खड़ाओं की जगह जूते, इसलिए शिष्य तुम्हारे पैर नहीं छूते। लेकिन वो बात अलग है। बड़े खुश हो गए बच्चे की आज तो। विचार करिए, आप सोचना है आपको, माँ बाप ने आपको गलत बनाने का सपना नहीं देखा, शिक्षक आपको गलत नहीं बनाते हैं, फिर कौन है जो तुम्हारे अंदर बुराई डालता है? ध्यान रखना, बुराई तुम्हारे अंदर डालते हैं ये तुम्हारे चारों तरफ बैठे हुए बच्चे। ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी बुराई आती है यार दोस्तों से आती है। ध्यान रखिए, जितना हमारा जीवन यार दोस्त बर्बाद करते हैं उतना कोई नहीं करता है। ये मीठा बोल बोल कर हमारे भविष्य खिलवाड़ करते हैं। बोलिए, किसी सिगरेट पीने वाले से पूछना कि सबसे पहले सिगरेट किसने पीना सिखाई। ध्यान रखना, फ्रेंड सर्किल में आदमी बुराई सीखता है और सबसे पहले सिगरेट दोस्तों के। और जब तुम नहीं पीते हो तो बड़ी दलील देते, अरे पी ले यार एक कश लगा ले मजा आ जाएगा, अरे भाई मैं नहीं पी, अरे तू भी कहां जी रहा है, दुनिया चांद पर पहुंच गई लल्लू राम तू अगरबत्ती में लगा हुआ है, ध्यान, अरे पी ले जिंदगी का दम मारो दम और मिट जाए। ऐसी बातों में मत आना, ये ऊपर चढ़ा चढ़ा कर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद। ध्यान रखिए, यदि आपके दोस्त में कोई कमी है, बालिकाओं से कहूंगा तुम्हारी सहेली में कोई बुराई है तो एक अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाइए, उसकी बुराई अपने अंदर मत लाओ बल्कि उसकी बुराई को उसके जीवन से निकालने का प्रयास करिए, आपकी दोस्ती सार्थक हो जाएगी। निकालिए बुराई, आप सिगरेट नहीं पीते अच्छी बात है, आप गलत काम नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन आप गलत काम नहीं करते तो ये केवल आपके काम की बात है। और यदि कोई गलत काम करता है और उसे यदि आप छुड़ाते हैं तो ये आपका काम नहीं, ये पूरे देश का काम हुआ करता है, पूरे राष्ट्र का उद्धार। मैं क्यों, तुम कुछ भी करो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने प्रवचनों में तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरे अंदर तो बुराई नहीं है, लेकिन मेरे अंदर बुराई नहीं होने से केवल मेरा भला होगा और तुम्हारी बुराई मिटा दूं तो पूरे देश का भला होगा, पूरी समाज और पूरी कौम का भला होगा। विचार करना, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रही है बात? बहुत समझदार हो, कौन बोला हाँ, बहुत अच्छे, समझदार ही रहना। स्वप्न में भी अपने को मत समझना कि हम ना समझ लोग हैं, जो अपने को गलत समझता है वो गलत राय पर जाता है, जो अपने को महान समझता है वो सदगुणों की राय पर पहुंच जाए। क्यों समझे हम अपने को गलत? कोई बात नहीं, नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं, परीक्षा में नंबर कम आए चल जाएगा लेकिन जिंदगी की सफलता में नंबर कम नहीं आना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा जब स्कूल में पढ़ता था तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, ले दे के रो धो के 40-50% में पास होता था, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया, बेटा अक्षर ज्ञान से ज़्यादा जिंदगी के अनुभव का ज्ञान होता है। और शायद स्कूल में पढ़ते समय मैंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी संत बनूंगा और पूरे स्कूल को मैं शिक्षा दे रहा हूँ। जीवन को दोस्त निकालते हैं, जीवन को ऐसे दोस्तों से बचिए, किसी दोस्त में बुराई है उसे निकालिए, निकालने के बाद यदि वो दोस्त ना माने
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना दोस्त के रह लेना, लेकिन जिंदगी बर्बाद करने वाले दोस्तों की दोस्ती कभी मत करना।